ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल, फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और मुंब्रा का जो MM अली कोरोना सेंटर है, ये इसी हफ्ते में पिछले सोमवार को जो है चालू करने की बात आई थी। बहरहाल जो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए जो कोविड केयर सेंटर है वो चालू हो गया है और 2 से 4 मरीज उसमें भर्ती भी है। लेकिन जिस तरह से ICU की अगर हम बात करें तो ये अभी पूरी तरह से बंद पड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से मुंब्रा शहर में हो या फिर और भी महाराष्ट्र की बात करें हम, तो ऑक्सीजन की लगातार कमी पड़ रही है। जिस तरह से रात की एक घटना सामने आई थी कि बिलाल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहां काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन ये कोरोना सेंटर जिस तरह से अभी तक बंद पड़ा हुआ है और क्यों बंद है ये, इस पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे शानू पठान जी, जिस तरह से ये इतना बेड यहाँ पर अवेलेबल है, सारे सुविधाएँ यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद ये अस्पताल नहीं चालू हो पा रहा है। सबसे बड़ा इसमें अब मुख्य कारण ये शुरू हॉस्पिटल नहीं होने का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कोविड हॉस्पिटल कौसा का छोड़ दीजिए, खासी की प्राइवेट हॉस्पिटल है, बुरानी, रहमानिया, बिलाल, बहुत परिस्थिति खराब है। मदर रूट सुबह 6:30 बजे ऑक्सीजन मापा पे अवेलेबल था कई कंपनियाँ, लेकिन उधर होने के बावजूद वो कंपनी दे रही नहीं थी। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, हम लोग सब, मैं हमारे सब साथियों के साथ वहाँ गया, रेहान भाई, बाकी जो लोग थे वो सब के साथ वहाँ जाके ज़बरदस्ती ऑक्सीजन वहाँ से उठा के लेके आया हूँ और बिलाल और बाकी हॉस्पिटल में भी दिए। ये काम प्रशासन का है, ये लोकप्रतिनिधि का काम नहीं है। लोकप्रतिनिधि की एक मर्यादा रहता है। दादागिरी से आज हमने उठा लिया, उसने कहा कि तुम पर FIR करूँगा। हमने कहा जो FIR करिए, जो कार्रवाई करना करना, लोगों की जान से बढ़ के नहीं, क्योंकि 21 लोगों की जान का बात था, उसमें 4 बच्चे थे। और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हुई और महापालिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के अधिकारी कोऑर्डिनेटर टीम बना के काम नहीं किए, तो आने वाली परिस्थिति बहुत बेकार है। रस्तों पे लोगों की जान जाते हुए देखा जा सकता है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है कि वो चार्ज अपना किसी को दे, और या तो वो खुद आए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम के साथ ज्वाइंट काम कर सके। ये मामूली आपदा नहीं है। पहले 550 केस थे, अगले साल आज 2200 केस है, 3 पट उछाल लाके डेथ संख्या जो है उसका रेशियो बढ़ा है, पेशेंटों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ ये रिटर्न कोविड आया है। महापालिका को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले जो परिस्थिति है विचित्र है। ये बात सही है कि ये हॉस्पिटल मुंब्रा के साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम आता था। अगर ये हॉस्पिटल सही तरीके से शुरू हो गया तो महाराष्ट्र के कई लोगों के काम आ सकता है, लेकिन हालत ये है कि ये हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पेशेंट के घर वाले को बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके जाओ। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो बाहर आए, पॉलिटिशियन और राजनीतिक और लोकप्रतिनिधि। शानू भाई, जिस तरह से करीब 300 से 400 बेड यहाँ पर हैं और देखा जा रहा है कि ये बेड जो है धूल खा रहे हैं और एक तरह से संक्रमण फैल रहा है, लोगों को इलाज की ज़रूरत है, ये अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया लेकिन ये चालू नहीं हो रहा। आप लोगों ने कहा था कि सोमवार को शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं शुरू हुआ ये अस्पताल। हॉस्पिटल आपको बताता हूँ, ऑर्डर पेपर वर्क से शुरू हो चुका है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट यहाँ पे आ चुके। अब ऑक्सीजन पेशेंट आज यहाँ लाएंगे, ये वेंटिलेटर शुरू है, ये चालू वेंटिलेटर क्या करेगी बिना ऑक्सीजन के, इसको लाके मैन पावर बाहर रेडी है, डॉक्टर क्या करेगा बिना ऑक्सीजन के। प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर कह रहे अपने पेशेंट को लेके जाओ, सवेरे 6:30 बजे मैंने आपको वीडियो भेजा, आपने देखा, आपने खुद निकाला है, वो 6:30 बजे का वीडियो है, ऑक्सीजन हमने ज़बरदस्ती लाए, ये आपदा बड़ी है। अगर प्रशासन ने बराबर से कोऑर्डिनेटर टीम बना के काम नहीं की तो आने वाली परिस्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि हमने, हमारे देश ने कभी हॉस्पिटल तो मांगा नहीं, लोगों ने यहाँ पर राजनीति मंदिर और मस्जिद पर किया, हॉस्पिटल पर किसी ने राजनीति किया नहीं, तो आज हमारी व्यवस्था यह है।
कब तक शुरू होगा ये अस्पताल? हॉस्पिटल शुरू हो चुका है लेकिन ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और मैन पावर लगेंगे तो ये डेड रहेगा। चार सिम्टोमेटिक मरीज जो है कोविड केयर सेंटर में है, अगर उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई अभी तो आप कहां से लाएंगे? अरे मैं कहां से ला पाऊं, मेरे बस में अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया होता ना इतनी, ये मेरे बस में जितना था मैंने लोगों से छीन के लेके आए। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, नहीं तो महानगर पालिका को ताला मार देना चाहिए। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महापालिका को ज्वाइंट काम करना पड़ेगा, ये मामूली आपदा नहीं है। अच्छा लास्ट सवाल, जिस तरह से जो सामान की बात आ रही थी, कितने सामान पूरे वापस आ गए? सामान लगभग सभी आ गए, लेकिन हमारे टैली है, चालू है, जो भी सामान कम हुआ है और जो इसमें कुछ चोरी हुआ होगा उसके ऊपर प्रशासन के अधिकारी के खिलाफ हम खुद FIR दाखिल कराएंगे। तो आपने सुना कि जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान है उनका साफ कहना है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिस वजह से आपको दिखाएंगे कि पूरा सिस्टम जो कोविड सेंटर है यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, बेड है करीब 300 से 400 यहाँ पर बेड है और तमाम सुविधाएं इस अस्पताल में है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से जो है ये अस्पताल बंद पड़ा है। और जिस तरह से शानू पठान ने कहा कि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तरफ जहाँ आपदा में अवसर ढूंढने की बात कही जा रही है, वहीं इस तरह से जो है बने अस्पताल जो है वो बंद पड़े हुए हैं और जो कोरोना के मरीज है उनके लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो मुमरा का MMOL कोरोना सेंटर है ये भी शुरू करने की बात सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से इसी हफ्ते में सोमवार को चालू करने की बात आई थी कि सोमवार से इस कोरोना सेंटर को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ ये कोरोना सेंटर चालू नहीं हुआ है और यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से इस कोरोना सेंटर को अभी तक चालू नहीं किया गया है। कैमरा मैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।